तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था में नक्सल प्रभावित बस्तर में लोकतंत्र के उत्सव का जोश देखिए कितनी लंबी कतारें हैं महिलाएं घंटों से इंतजार कर रही हैं सुबह छह बजे से मैं यहां सुबह से देख रहा हूं कि छह बजे से यहां लंबी लंबी कतार लगी हुई है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो वोट डाल सकें ये देखिए एक तरफ पुरुषों की लाइन है एक तरफ महिलाओं की लाइन है और ये एक मतदान केंद्र जो छापर भानपुरी मतदान केंद्र है चित्रकोट विधानसभा का नक्सल प्रभावित बस्तर बस्तर की चित्रकोट विधानसभा में ये लोग अपना इंतजार कर रहे हैं तगड़े सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं लेकिन नक्सलियों की तरफ से एक बाइकआउट की जो कॉल होती है चुनाव के बहिष्कार की उसके बावजूद लोगों में वोट डालने का उत्साह है राइट टू वोट अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना बहुत देर से इंतजार ये कर रहे हैं उन लोगों से हम बात करते हैं बहुत देर से आए हुए हैं आप जी वोट डालना चाहते हैं जी इंतजार लंबा हो गया लंबा हो गया ड्यूटी करूंगी मैं <laughs> कितने आ चार बजे आ गए थे छह बजे छह बजे से आए हुए लाइन लगे हैं बाहर में थे जी अच्छा अभी ड्यूटी करूँगी मैं जाके अच्छा अभी आपको ड्यूटी पे भी जाना है जी जाना है अभी नाम क्या है आपका यमुना राणा सर। यमुना यमुना कह रही है की छह बजे ऐसी इंतजार कर रही थी आप भी बहुत देर ऐसी आए हैं जी सर लेकिन आपको हर हाल में वोट तो डालना है जी सर डालना ही है।, है अच्छा जी जी सर डालना है वोट बहुत देर से आए हो जी सर थक नहीं गए थक थक तो गए क्या करेंगे मगर वोट डालेंगे जी डालेंगे थक तो गए मगर वोट डालेंगे डालेंगे ये देखिए ये रिजॉल्व है कि वोट डालना है इंतजार करेंगे लेकिन हम अपना वोट डालेंगे हम दूसरी जगह और आपको दिखाएंगे जहां लंबी देखिए क्योंकि बहुत देर हो गई है तो यहां पर बैठ के अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आए हैं इतमीन से धीरज के साथ बैठे हुए हैं लेकिन वोट डालेंगे छोटे से बच्चे को साथ लेकर आए हैं बच्चे के हाथ में आई कार्ड है माँ साथ में बैठी हुई है इंतजार कर रही है कि जब उनका मौका आएगा तो वो भी वोट डालें वोट डालने आए है हाँ। तो बच्चे को तो सुबह से ले आई आप हाँ। हाँ? कितने बजे आए थे तो वोट तो डाल के ही जाएंगे हाँ। यानी हाँ वोट हाँ, डाल के ही जाएंगे ये है मतदान के अंदर आप वोट डाल के आए दिखाए जरा ये देखिए ये इन्होंने अपने मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग किया कितनी देर पहले आए थे आप सर मैं तो छह बजे तक पहुँच गया छह बजे से, से आए थे वोट डालती फिर अब आखिरकार मतलब जब वोट डाल रहे थे तो दिमाग में क्या चल रहा था सर वो दिमाग में सर अब किसको डालना ये, नहीं, ये नहीं पूछ रहे हम किसको डाल रहे हो हम पूछ रहे हैं कि क्या सोच के डाल रहे थे कि मेरा वोट क्या करेगा तो, तो क्या सर मैं जनता का विकास कर रहे सर आप मेरा वोट क्या करेगा मैं हमारे जो गांव का समस्या है जो जनता के छोटे-छोटे जीव मूलभूत सुविधा है इसके लिए हम लोग मतदान करने के लिए बढ़ चढ़ करके आए हैं यहाँ ये है लोकतंत्र के उत्सव की खूबसूरती मेरा वोट विकास करेगा घंटों इंतजार करेंगे लेकिन वोट डालेंगे